बाकी का सारा पुरुषार्थ है ना बेवकूफी भरा पुरुषार्थ है। यानी मेहनत भी पूरी हो रही है और रिजल्ट जितनी मेहनत कर रहा है व्यक्ति उसके अनुपात में पाता कितना है बड़ा इस बात को लेकर के तरस आता है। जब जब किसी संसारी व्यक्ति को देखते हैं और उसकी मेहनत को देखते हैं उसके जी जान लगा करके काम करने के ढंग को देखते हैं वो सब कुछ छोड़ता है, भोजन पानी भी छोड़ देता है, इतना लग करके काम करता है, रात के 2-2 बजे तक लगा रहता है, खाना पीना छोड़ देता है, अपने सुख सुविधाएं भी छोड़ देता है, परिवार को छोड़ देता है, बच्चों को छोड़ देता है, बच्चे कहीं रह रहे हैं, वो कहीं रह रहा है, वो कहीं जॉब करने चला जाता है, किसके लिए, किसके लिए इतनी मेहनत आखिर है, किसके लिए? तो बड़ा तरस आता है ना, जितनी मेहनत हो रही उसके प्रपोर्शन में उसे मिलता कितना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचो यदि इतनी ही मेहनत हम दूसरे क्षेत्र में करें, किस क्षेत्र में, जैसे प्रभु ने की थी, तो क्या मिलेगा? अनंत मिलेगा, अनंत। ऐसा नहीं है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो साधु होते हैं मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले वो परिश्रम नहीं करते, वो भी कर रहे हैं। एक दिन आपसे कहा था परिश्रम किसका ज्यादा होता है, साधु का कि आप लोगों का? कठिनाइयां किसके मार्ग में अधिक होती हैं, हमारे मार्ग में कि आपके मार्ग में? बताना रानू जी, किसके मार्ग में कठिनाइयां ज्यादा होती हैं? हाँ, गृहस्थों के मार्ग में ज्यादा कठिनाइयां। तो जो कठिनाई के मार्ग को चला करके अपना रहा है वो पहलवान, कि साधु के मार्ग में बढ़ रहा वो पहलवान? बलवान कौन है? बलवान तो साधु ही है। क्यों बलवान साधु है? जो कठिन मार्ग को अपना रहा है चला करके वो ज्यादा बलवान है। साधु तो कायर होते हैं, साधु कायर होते हैं कि नहीं होते? मार्ग तो उनका सम्यक है ना, इसलिए। नहीं नहीं, कायर हो रहे कि नहीं, वो डर गए हैं संसार से, डर गए। हाँ डर गए, आप लोगों की मेहनत को देख करके डर गए संसार में, व्यक्ति की इतनी मेहनत कर जा रहे हैं, हमें तो इतनी हिम्मत नहीं है, इतना टेंशन झेल सकते? आप ही झेल सकते हो, किस किस को झेलते हो पता नहीं, आप ही लोग झेल सकते हो ना? आप पत्नी को, आप पति को झेलते होंगे, सास ससुर को झेलते होंगे, बच्चों को झेलते होंगे, समाज को झेलते होंगे, नौकर को झेलते होंगे, कितनों को झेलना पड़ता है आप लोगों को? तो आप लोगों को देख करके मोक्ष मार्ग में जो बढ़ते हैं ना, तो कायर कहलाते हैं। तो आप सभी लोग बड़े बलवान हैं। नहीं, बलवान तो है। अच्छा, आपको जब इस मार्ग में आप लोगों ने प्रवेश किया था तो आपको पता नहीं था इस मार्ग में क्या क्या परेशानी आएंगी, मोक्ष संसार मार्ग में क्या क्या कठिनाई आएंगी, गृहस्थी बसाने में, जितनी जितने बच्चे बच्चियां महिलाएं पुरुष वर्ग में? महाराज श्री इसी का नाम तो मोह है। नहीं, पता था कि नहीं कठिनाई कौन कौन सी आएंगी? जी जी बिल्कुल जानकारी। जब आप प्रवेश कर रहे थे तो आपने ये सोचा था कि हम भोग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा सोच के प्रवेश किया था? बिल्कुल नहीं। क्या सोच करके प्रवेश किया था? कल्पनाएं की थी महाराज। कौन सी? बस सुखद कल्पनाएं की थी, मिला कुछ भी नहीं, इसी का नाम मोह है। सुखद कल्पनाएं की थी, मिला कुछ नहीं। नहीं, कल्पना की बात नहीं कर रहे अभी, वास्तविकता की हम बात कर रहे हैं। कल्पना अलग चीज है, वास्तविकता अलग है। यानी व्यक्ति जानता है, जितने भी लोग इस मार्ग में एंटर करते हैं क्या उन्हें पता नहीं रहता है? हर एक को पता रहता है, फिर भी वो प्रवेश करता है कि नहीं करता? यानी उससे पता है इतने चैलेंजेस हैं, इतनी कठिनाइयां हैं, इतनी परेशानियां आएंगी, फिर भी वो एंट्री कर रहा है, कितनी कितना बलवान है वो? साधु उस अपेक्षा से कायर है कि नहीं? बिल्कुल कायर है, बिल्कुल। हम कह रहे हैं कायर है, साधु से बड़ा कायर कोई नहीं होता, और आचार्य से बड़ा कायर और कोई नहीं। वो तो पहले ही छोड़ करके मार्ग मैदान छोड़ करके भाग गए, लेकिन आप लोगों की मानना पड़ेगा क्षमता, लड़ने की शक्ति, इच्छा सहन करने की शक्ति, मानना तो पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा। अब देखना जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसके एवज में पाओगे क्या? अब थोड़ा सा गणित लगाओ, गुणा भाग लगाओ, क्या पाओगे आप लोग? जो पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, जॉब तलाश कर रहे हैं, जो शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, लड़कियां देख रहे हैं,
दुकान कर रहे हैं, कर रहे हैं, इतना परिश्रम करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? और जो भी मिलेगा वो कब तक के लिए मिलेगा? कितना मिलेगा और कब तक के लिए मिलेगा? या तो बहुत बलवान हो अथवा बहुत बेवकूफ हो, क्या हो? जो जान करके गलती करे वो क्या है? बेवकूफ है। क्यों बेवकूफी कर रहे हैं? हमारा जी मन है कि मानता ही नहीं है, मोह है कि वो आगे बढ़ने देता ही नहीं। हम नहीं कह रहे बढ़ जाओ, पर सोचो, हम ये कह रहे हैं नहीं, एक आकांक्षा अनंत को पाने की भी भीतर पैदा करो, प्रभु को देख करके, प्रभु के दर्शन से, इस स्तुति से, श्लोक को पढ़कर, शब्द को कह करके। सोचना विचारना, जब भी अनंत अपने मुख से निकले, प्रभु इस भाव में मैं कुछ ऐसा सोचूंगा, ऐसा करूंगा। अभी तक हर भाव को मैंने जो जिया है वो शांत के तरीके से, अंत सहित वाले को लेकर के, लेकिन अब इस बार मैं सोच बदलूंगा। नमोद्दु आरती। ममता जैन मेरठ से पूछ रही हैं, तीतंतर भगवान तोला धारण भावना भाते हैं, जिसमें तीतंतर पद मिलता है, लेकिन जब भगवान युद्ध करते छह खंड जीत कर चतुर्वर्ती बनते हैं तो उसमें जीव हिंसा होती है, तो उन्हें हिंसा करते छह खंड जीतने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा, तीर्थंकर भगवान 16 कारण भावना भाग करके तीर्थन प्रक्रिया बांधते हैं, जो चक्रवर्ती बनते हैं उस पद में आते हैं, तो छह खंड जीतने के लिए युद्ध लड़ते हैं। क्यों कर रहे हैं सब? वो एक नियोग होता है, चक्रवर्ती को मारना किसी को नहीं पड़ता, वह हिंसा नहीं होती, बस उनके एक तीर पहुंच जाता है, संदेश पहुंच जाता है, तो सारे राजा अपने आप सरेंडर कर देते हैं, सारे सरेंडर कर देते, बस नाम सुनकर के, अच्छा चक्रवर्ती जी आ रहे हैं, हम उनके आज्ञा में ही रहेंगे, उनकी आज्ञा शिरोधार, हम उनके दास बन करके रहेंगे, सेवक बन करके रहेंगे, राज्य संचालित करेंगे, जो भी टैक्स है कर है वो चुका देंगे, बस इतना ही करना पड़ता है, किसी को मारना नहीं पड़ता उन्हें। हाँ हाँ, द्रव्य हिंसा नहीं होती है, हाँ भाव हिंसा तो होती है, जब किसी को आज्ञा दी जाती है, अंडर में किया जाता है, दबाया जाता है, तो भाव हिंसा तो होती है, लेकिन असंयमी, अपने मान की पुष्टि के लिए कुछ भी कर सकता है, भले ही वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो। तीर्थंकर बनने की शुरुआत मुख्यतया संयम से होती है। 16 कारण भावनाओं में जो भावना भाई थी वो अलग चीज है, लेकिन संयम की ओर जब कदम बढ़ाते हैं तभी वह उस हिंसा को त्यागते हैं, बिना उसके कुछ नहीं करते, चाहे वो भरत चक्रवर्ती हो, चाहे शांतिनाथ भगवान हो, चाहे कुंथुनाथ भगवान तीर्थंकर चक्रवर्ती हो, चाहे अरनाथ भगवान हो, वो उस नियोग को भी पूरा करते हैं और अपना मान को भी पोषित करते हैं और लोगों को, सभी छह खंडे के राजाओं को अपने अंडर में रखते हैं, उस अपेक्षा से द्रव्य हिंसा नहीं होती। जब तक गृहस्थी को अंगीकार ना करें, जब तक मुक्ति नहीं मिल सकती, ये तो वैष्णव धर्म में आता है, वैदिक परंपरा में मान्यता है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं, पितृ ऋण जब तक ना चुकाया जाए तब तक वह वैकुंठ की प्राप्ति नहीं, मुक्ति हो ही नहीं सकती, उनकी मान्यता है, पर ऐसा नहीं है। वैसे देखा जाए तो जैन धर्म में भी जितने तीर्थंकर होते हैं चारों ही पुरुषार्थ को करने वाले होते हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, पहले तीन पुरुषार्थ को करते हैं, बाद में मोक्ष पुरुषार्थ में वे प्रवेश करते हैं, संचालन करने के लिए, शिक्षा देने के लिए। ये तो उंडा अवसर अपने की देन है, पंच बाल्यति हो गए, बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हो गए, नहीं तो वे पहले गृहस्थी बसाते हैं, विवाह करते हैं, पूरा जीवन जीते हैं, फिर बाद में त्याग के मार्ग में निकलते हैं। सामान्य नियम तो यही है, लेकिन हुंडा सर्पणी है तो भगवान महावीर स्वामी की परंपरा चल रही है, इस कारण पंचम काल में भी अभी भी चले जा रही है, बाल ब्रह्मचारी संघ बना हुआ है आचार्य भगवान का, और बाल ब्रह्मचारिणी बहनें भी हैं ढेर सारी, तो ये चल रहा है, सामान्य तरीके से वैसा होता नहीं। पर ये नियम नहीं है कि यदि बाल ब्रह्मचारी है तो उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, हो सकती, उसमें कोई बाधा नहीं। अगला नाम, अगली संज्ञा, अनंतम के बाद कौन सी संज्ञा आ रही है? अनंग केतुम,
अनंग का अर्थ होता है क्या होता है, जिसका अंग नहीं सो अनंग, यानी दूसरा नाम है काम। अनंग यानी काम, केतु यानी उसको नष्ट करने वाले, जिन्होंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने अपनी वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, समस्त इच्छाओं को जिन्होंने जीत लिया है, वह अनंग के तुम माने जाते हैं। पूर्ण शील का जो पालन कर रहे हैं, बिना उसके कल्याण नहीं होता है। सबसे कठिन है किसे जीतना, अनंग को जीतना, सबसे कठिन। जितने भी प्रथमान योग ग्रंथ हैं उसमें उठा करके देखना, जब जब सिद्धि का प्रकरण आता है, मोक्ष मार्ग की बात नहीं कर रहे, लौकिक सिद्धि की भी बात कर रहे हैं, चाहे वे विद्याधर हो चाहे कोई अन्य हो, तो उनके लिए एक नियम होता है, सिद्धि उसे ही होती है जो उतने समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है। यानी जब तक वो अब्रह्म में लगा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बन ही नहीं सकता, एकाग्रता आ ही नहीं सकती, विचलितपना अवश्य रहेगा ही। ब्रह्मचर्य मतलब अपने स्वभाव में आना, आत्मा में रमण करना, यानी बाहर से हटा करके अपने भीतर ही केंद्रीभूत हो जाना। तो लौकिक सिद्धि की भी हम बात करते, लौकिक सिद्धि की भी प्राप्ति के लिए, चाहे वो तंत्र कर रहा हो, क्रिया मंत्र सिद्धि कर रहा हो, चाहे वो विद्याधर हो, पद्म पुराण यदि आपने पढ़ा होगा है ना, वो विद्याधर हैं जितने भी, चाहे रावण के भाई हैं, कुंभकर्ण हो, विभीषण हो, अथवा उनका वो भांजा हो, शूर्पणखा का जो पुत्र था, क्या नाम है, खरदूषण, वो भी जंगल में बैठ करके तपस्या कर रहा था, लेकिन तपस्या करते समय एक शंभु नाम आता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना पड़ता है, सबसे बड़ा नियम होता है, बाकी अन्य नियम में तो शिथिलता चल जाएगी, उपवास आदि वो अलग चीज हो गई, लेकिन यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा है तो कोई भी विद्या सिद्ध नहीं होती। और जब हम आत्मा की सिद्धि की बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो अनंग केतुम होना आवश्यक है। विशल्य का उदाहरण भी आप लोगों ने सुना होगा ना, लक्ष्मण की पत्नी जिसके स्नान किए हुए जल से ही रोग दूर हो जाते थे, कैसे उसे वो सिद्धि हुई थी, पूर्व भवों में अनंग सरा की पर्याय में जंगल में शील व्रत का पालन करते हुए उसने हजारों वर्ष तपस्या की थी। उस शील का प्रताप था कि अगले भव में उसे विशेषता मिली थी, उसके शरीर में विशेषता थी जन्म से ही, कि जैसे जैसे वो स्नान करेगी उस जल से सारे लोग स्वस्थ होते चले जाएंगे, और लक्ष्मण की शक्ति भी उसी से दूर हुई थी। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखना, उसकी ये सिद्धि तभी तक काम में आई जब तक उसका विवाह नहीं हुआ था। जैसे ही उसका विवाह, विशल्या का विवाह लक्ष्मण से हो जाता है, उसके पश्चात उसकी सिद्धि घटते चले गई, फिर शक्ति नहीं रहेगी उसके पास, जो शक्ति उसे जन्म से मिली थी, उसके स्नान किए हुए जल से लोगों के रोग दूर हो जाते थे, जब विवाहित हो गई फिर वो समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई, समझना इस बात को, इन्हें पूर्व भव की साधना अभी तक चली हुई आ रही थी, इतने वर्षों तक चलती रही, जब इतने वर्षों तक चलते रहे तो पूरे इस मनुष्य पर्याय में चलना था, लेकिन जब तक वह कुंवारी थी तब तक तो वह
कार्य करती रही शक्ति, लेकिन विवाहित होते हुए गायब हो गई, क्षीण हो गई। क्यों? यानी जब जब अब ब्रह्म का सेवन होता है तब तक शक्ति का ह्रास होता है, पतन होता है। और जब हम आत्मा की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, उस एनर्जी के अपवर्ड मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ऊर्ध्वरेता की बात कर रहे हैं, ऊर्ध्वगमन की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो उस अनंग को जीतना परम आवश्यक है। कई लोग आते हैं ना प्रश्न करने, महाराज जी बड़ी विकट परिस्थिति चल रही है परिवार में, ऐसा है वैसा है, क्या करें, कैसे इससे उभरे, संकट कैसे टले। सबसे अच्छा तरीका है, थोड़ा कठिन तरीका है, जब तक संकट ना टले तब तक के लिए ब्रह्मचर्य की साधना शुरू कर दो, देवता लोग भी हिल जाएंगे। बिल्कुल, देवता लोग भी हिल जाएंगे, वो आ जाएंगे आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी दुविधाओं को परेशानियों को दूर करने के लिए। यदि इतनी शक्ति है भीतर, आजमा करके देख लेना, ब्रह्मचर्य की साधना सबसे बड़ी साधना होती है। हाँ हाँ, विशुद्ध रूप से पालन करे तो अपने आप ही बहुत कुछ प्रकट होने लगता है। निर्दोष वो पालन कर रहा है ब्रह्मचर्य का, तो सारी सिद्धियां अपने आप जो इस पंचम काल में हो सकती हैं सामान्य रूप से हो जाती हैं, वचन सिद्धि आदि, जैसे आचार्य भगवान को अपन ने देखा। क्यों आचार्य भगवान के इर्द गिर्द इतना प्रभाव, क्यों उनका ऑरा इतना पावरफुल, क्यों उनकी प्रभावना इतनी अधिक, क्यों उनके पास जो जाता है उनका ही होकर के रह जाता है, जबकि वो कुछ कहते नहीं, कुछ मंत्र देते नहीं, कोई टोटका करते नहीं, न पिछी लगाते हैं, न किसी से कुछ कहते। कभी सोचा क्यों ऐसा? सिर्फ उनकी साधना के बल पर, निर्दोष साधना के बल पर, निरतिचार जो तपस्या है, जो अंदर की तपस्या है, शील स्वभाव वाली तपस्या है, निष्प्रहता और ब्रह्मचर्य की साधना, उसके बल पर वो सब कुछ पा जाते हैं। उन्होंने इसी के बल पर पाया है। आप भी पालन करके देख लो, चमत्कार हो जाएगा। श्रावक और श्राविका की अवस्था में विजय सेठ, विजय सेठ विजया सेठानी, श्रावक श्राविका ही तो थे कि नहीं? कोई मुनि महाराज तो थे, गृहस्थ थे। हाँ, चंदोबा काले से सफेद हो गया। हाँ, सेठ सुदर्शन गृहस्थ में उठा करके देखो कितने उदाहरण। आप कहोगे हमारी चौथे काल की बातें, वो सब पंचम काल में थोड़ी वो सब ये होता है। हाँ होता, हाँ बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप स्वयं ही जानते क्यों नहीं होता। हर व्यक्ति लगा हुआ उसी में, मन से लगा हुआ है, वचन से लगा हुआ, भले काय से न लगा हुआ। अब ब्रह्म में लगा है कि नहीं? काय से भले वो सुरक्षित है, काय से भले वो दोष ना लगा रहा हो, लेकिन और मन और वचन से कितने दोष लगाता है बताओ। आप न्यूज़पेपर खोलोगे तो दोष, मोबाइल ऑन करोगे तो दोष, टीवी देखोगे, होता है कि नहीं? नहीं होता। यानी आज ऐसी स्थिति आ गई, इतना आचरण गिरता चला जा रहा है, और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि चमत्कार तो देखने में नहीं आते पंचम काल में, होंगे कैसे? चमत्कार के योग्य कुछ आचरण भी तो हो। वो देवता लोग क्यों नहीं आते पंचम काल में बताओ? बोले होनहार ऐसी है, बोले नियोग है, ऐसा नियम है, बोले पंचम काल में नहीं आते। इसलिए नहीं आते हैं कि वो विशुद्धि ही नहीं, आचरण की विशुद्धि है ही नहीं। वो बुलाने से नहीं आते, वो तपस्या से प्रभावित होकर के आते हैं, आचरण को देख करके, चरित्र को देख करके आते पूजा करने के, उस व्यक्ति की दृढ़ता को देख करके आते हैं। वो असंयमी भी क्यों ना हो, जैन से मतलब नहीं, वो अजैन भी क्यों ना हो, यदि अजैन भी है तो वे आ जाएंगे, चांडाल भी तो आ जाएंगे। चलो
देवता लोग जैन अजैन से मतलब नहीं रखते, किससे मतलब रखते हैं? व्यक्ति कितना दृढ़ है अपने नियम के प्रति। दृढ़ता किसकी है उसकी, कट्टरता कितनी है नियम के प्रति, संकल्प के प्रति, आचरण के प्रति, विशुद्धि के प्रति, तो वो आ जाएंगे, उससे प्रभावित हो जाएंगे। यहाँ पे सम्यक मिथ्या से लेना देना नहीं है, मुख्यतः यहाँ पे दृढ़ता से नियम के प्रति उससे है। यमपाल चंडन कुछ नहीं पता था धर्म क्या होता है, वीतरागी प्रभु क्या होता है उसे नहीं पता था, बस उसे ये पता है मैंने तो नियम लिया मुझे इसको पालना है और कुछ नहीं करना है, मरना पड़े तो मरने को भी तैयार हो, तैयार हो गया, जान देने को तैयार हो गया। आप हम मरने के लिए तैयार अपने नियम के प्रति? कितने लोग मरने को तैयार हो जाएंगे? नियम में दोष ना लगे, शील व्रत में दोष ना लगे, कितने लोग मरने को तैयार हो जाएंगे? जो भी आपने संकल्प लिया उसमें जब दोष लग रहे हैं तो हम उसे तुंगड़ेंगे नहीं, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, उसका निर्दोष निरतिचार अतिक्रम रहित व्यतिक्रम रहित पालन करेंगे। बड़े कठिन है, बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ है ना, है कि नहीं? तो ये अनंग केतु जिन्हें अपने ब्रह्मचर्य का निर्दोष पालन करना है, खासकर वह व्यक्ति श्लोक के इस नाम को बहुत अच्छे से भावों से पढ़े। जिन्हें ब्रह्मचर्य की ओर कदम बढ़ाना है, जिन्हें अपने शील स्वभाव में आना है, अथवा जिनकी दृष्टि जल्दी जल्दी खराब हो जाती है, वो सोचते हैं कि मेरी दृष्टि खराब ना हो, लेकिन क्या करूं खराब हो ही जाती है, उन सब से कह रहे हैं नॉट नेसेसरी कि ब्रह्मचर्य ले ले, यानी जो स्वधार संतोष व्रत भी नहीं पाल पा रहा है उसकी बात कर रहे। चलो ब्रह्मचर्य तो बहुत बड़ा नियम हो गया, पूर्ण ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा नियम हो गया, जो इतना भी नहीं पालन कर पा रहा है उनसे कह रहे हैं अनंग केतुम, आदिनाथ भगवान को इस दृष्टि से देखो। बड़ा कठिन है, जब मुख से ये निकले अनंग केतु, तो आप क्या सोचते हैं अनंग केतु से जब पढ़ते हैं ये शब्द कहते हो, क्या सोचते हो? कुछ सोचते भी हो नहीं सोचते? कुछ नहीं सोचते। केतु, केतु ग्रह के बारे में सोचने लग जाते हैं, केतु ग्रह कुछ होता है, हाँ भाव वासना होती ही नहीं, द्रव भासना चलती, आनंद तानम कछु न जानम। अरे तो उसमें श्रद्धा है, उसमें तो सिद्धि हो जाएगी, आनंद तानम में तो उसमें दृढ़ता है, सिद्धि हो जाएगी। महाराज जी केतु का मतलब, केतु का अर्थ अग्नि के अर्थ में भी आता है, भस्म करने के लिए केतु का अर्थ ऐसा भी आता है, जैसे केतु ग्रह है सूर्य को ग्रसित कर लेता है उस अपेक्षा से भी आ जाता है, केतु को ऐसा भी लिया है। संसार के काम को भस्म करने से, यानी जैसे केतु जलाने वाला होता है, जैसे अग्नि जला देती है ना, तो अनंग को जो जलाने वाले, भस्मीभूत करने वाले, नष्ट करने वाले, इस अपेक्षा से केतु का अर्थ लिया है। तो अनंग को जिन्होंने भस्म कर दिया है, काम को जिन्होंने जीत लिया है, काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, तो वह अनंग केतु। तो जो अपने काम को जीतना चाहता है, कामना की बात, काम को जीतना चाहता है, अधिकांश लोग तो जीतना ही नहीं चाहते होंगे, चाहते भी हो कि नहीं, थोड़ा डेलिकेट टॉपिक है ना, बड़ा सेंसिटिव है, सेंसिटिव है ना, सब बोलते महाराज जी इस विषय को नहीं छेड़ना, बाकी तो सब कुछ चलता है, सारे नियम लेने को तैयार, लेकिन इसमें थोड़ा सा थोड़ा कठिन है ये सब, संसार में हम इतना कर रहे हैं कोई कम बात है, हिंसा का त्याग कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, परिग्रह को हमने कम कर दिया, थोड़ा बहुत तो छूट रहने दो, ऐसे ही है।
यंग बच्चों से कहना चाह रहे हैं, जब भक्तामर स्तोत्र पढ़ो क्या सोच करके पढ़ो, वैसे पढ़ोगे नहीं आप लोग तो कोई ये तो वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल जैसी बात है आज के जमाने में, असंभव जैसी बात है ना आज के जमाने में, नहीं है। किसी से हम ब्रह्मचर्य की बातें करें बोले कहाँ आप चौथे काल की बातें कर रहे हैं महाराज, दुनिया देखो कहाँ भाग रही है, किस ओर जा रही है, और अपन किस ओर की बात कर रहे हैं। ये शास्त्रों में पढ़ने आने अच्छा लगता है, बस इतना ही सीमित रहने दो, यहीं तक रहने दो, बाकी तो फिर भी कह रहे हैं यदि दृढ़ता से अपने शील व्रत को पालना चाहते हो निर्दोष तरीके से, जिसने भी जो जो नियम लिया है, अथवा इस ओर बढ़ना चाहते हो तो इस श्लोक को इस भाव से पढ़ना, प्रभु को इस भाव से देखना, ऐसा चिंतन लाना, भाव दशा भाव भासना कुछ ऐसी करने की कोशिश कर। आगे बढ़े फिर कौन सा विशेषण दिया है, कौन सी संज्ञा है, योगीश्वर। क्या अर्थ होता है योगीश्वर का, योगियों के भी आप ईश्वर हैं, स्वामी हैं। जो योगी साधना कर रहे हैं वो भी आपके चरणों में झुके रहते हैं, वो भी आपको अपना आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं। जिन्हें हम रोल मॉडल मान रहे हैं वो उन्हें रोल मॉडल मान रहे हैं, हम आचार्य भगवान को अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, आदर्श मान रहे हैं, लेकिन आचार्य श्री मान रहे हैं, आदिनाथ भगवान को मान रहे हैं। जब आचार्य श्री जैसे साधक उनके लिए इतने झुके हुए रहते हैं, उन्हें इतना मान देते हैं, इतना हृदय से याद करते हैं, तो फिर हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने तो भगवान को देखा नहीं। आपने देखा आदिनाथ भगवान को, किसी ने नहीं देखा, हमने किसे देखा, हम तो वर्तमान में चलते फिरते जो साधना करने वाले साधक है उन्हें देख रहे हैं, आचार्य श्री को देख रहे हैं, वो ही हमारे लिए सब कुछ है, उनकी साधना ही सब कुछ हम स्वीकारते हैं, उनकी तपस्या ही उनकी भक्ति। अब जिन्हें हम अपना सब कुछ स्वीकार रहे हैं, उनके स्वरूप को देख रहे हैं, उनकी साधना को देख रहे हैं, अब हम यह भी देखें वो किसे स्वीकार रहे हैं, वो किसे याद कर रहे हैं, किसका नाम स्मरण कर रहे हैं, किसकी जाप कर रहे हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं। अच्छा वो आदिनाथ भगवान को मानते थे, फिर तो हमें भी मानना ही चाहिए। अब हम योगी के माध्यम से आदिनाथ भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। अब हमने आदिनाथ भगवान के गुण को नहीं देखा, हमने किसे देखा है, योगियों को देखा है जो बहुत महान होते हैं। अब जो व्यक्ति स्वयं इतना महान है वो यदि किसी को पूज रहा है तो सामने वाले में कुछ क्वालिटी अवश्य इसका अर्थ है ना, बस ये भाव भीतर में आ जाए, आप सामान्य लोगों के ईश्वर ही नहीं है प्रभु, आप तो योगियों के भी ईश्वर हैं। कैसे योगी, जो ग्रीष्म काल में पर्वत के शिखरों पर खड़े होकर के तपस्या करते हैं, जो छह छह महीने के उपवास करते हैं ऐसे योगी, जो चार चार महीने तक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के ध्यान में डूबे रहते हैं ऐसे योगी, जो शीत ऋतु में सरोवर के नदी के तट पर खड़े होकर के ठंडी ठंडी लहरों को उसके थपेड़ों को सहते हुए भी रात के अंधकार में शीतल चांदनी को देखते हुए लेते हुए अडिग खड़े हैं, कपकपाती ठंड पड़ रही है, दांत कटकटा रहे हैं, फिर भी मन में ये भाव नहीं आ रहा है कि कोई प्रतिकार कर दे, कहीं से अग्नि जला दे, अलाव जला दे, कंबल उड़ा दे, कोई गर्माहट पैदा कर दे, ऐसे वो ध्यान में मग्न हैं, और ध्यान में मग्न होने के साथ साथ वे आपको मान रहे हैं, पूज रहे हैं। ऐसे महान योगी जो रिद्धियों से संपन्न होते हैं, 63 रिद्धियां जिनकी प्रकट हो जाती हैं,
ऐसे महान योगी भी आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपको स्वामी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। धन्य है, आपकी महिमा कितनी महान है। सोचते हो ऐसा? नहीं सोचते? क्या सोचते हो आप लोग? कुछ नहीं सोचते। सोचा करो थोड़ा सा। योगीश्वर प्रभु आप ऐसे योगियों के ईश्वर हैं। डिटेल में ज्यादा नहीं कर रहे हैं, श्लोक को समाप्त भी करना है। अगला नाम, अगली संज्ञा है विदित योगम। विदित योगम, विदित का अर्थ है जिन्होंने जान लिया है। किसे जान लिया है? सारी योग साधना को जिन्होंने स्पष्ट तरीके से जान लिया है, अथवा जो विशिष्ट प्रकार के योग में डूबे रहते हैं पूर्व तपस्या की अवस्था में। जैसे आदिनाथ भगवान जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा लेते ही 6 महीने के संकल्प के साथ ध्यान में बैठ गए, प्रवेश कर गए, प्रतिमा योग धारण करके। योग से मतलब प्रतिमा योग, यानी एक आसन में बैठे हैं बिना हिले डुले। उपसर्ग आ रहा है उसे भी सहन कर रहे हैं, सर्दी गर्मी उसे भी झेल रहे हैं, प्रतिकूलता शरीर में आ रही है उसका भी कोई प्रतिकार का भाव नहीं। ऐसे प्रतिमा योग में जो बैठे हुए हैं, जैसे बाहुबली भगवान खड़े थे तो खड़े ही रहे, सांप आ गए, बिच्छू आ गए, छिपकली आ गई, लताएं चढ़ गई शरीर पे, फिर भी वो चलायमान नहीं हुए। यानी आदिनाथ भगवान जब ध्यान अवस्था में थे तो ऐसे बैठे थे मानो कोई मूर्ति ही हो, और जंगल में रहने वाले पशु हिरण आदि अपनी खाज उनकी पीठ से खुजलाते थे। उपल खाज खुजावती, क्या मान करके? ये जीवंत मनुष्य नहीं है, ये तो कोई प्रतिमा है ही है प्रभु की, जड़ है जिसके भीतर चेतना नहीं है, जो हिलती डुलती नहीं है, ऐसी स्थाई प्रतिमा है। तो उससे अपनी खुजली मिटाते थे, कि पशुओं को खुजली बहुत चलती है, आपने देखा होगा गाय जो होती है ना दीवार के सारे रगड़ करके चलती हैं, कई बार बकरियां होती हैं, अन्य भी जो पशु होते हैं जब उनकी खुजली बहुत चलती है तो ये जमीन में लुटपुट होने लगते हैं। कई जीवों को आपने देखा होगा, चाहे बिल्ली हो, अन्य प्रकार के जीव अपने शरीर की खुजली खुजाने के लिए, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे जुए आदि पैदा हो जाते, बहुत खुजली चलती है उन लोगों को, उन जीवों को, तो वो अपनी खाज कैसे खुजाते हैं? कोई ऐसे पत्थर को देख करके, कोई ऐसी दीवार मिल जाए अथवा पेड़ का तना मिल जाए। जब जंगल में आदिनाथ भगवान ध्यान अवस्था में बैठे थे तो वो हिरण, वो बकरी आदि अन्य पशु क्या करते थे? अपनी चमड़ी को उनकी पीठ से रगड़ते थे एकदम, फिर भी वो ध्यान से विचलित नहीं होते। अपन जब ध्यान करने बैठेंगे, एक मच्छर आकर के बैठ जाए तो देख लो क्या हालत होती है, माला में बार बार उड़ाने बैठ जाएंगे, माला भी चल रही फिर उड़ाने बैठ जाएंगे, है ना, एक मच्छर भी सहन नहीं कर पाएंगे। कर पाते हैं? कर लेते हैं? नहीं, पहले इंतजाम कर लेते हैं, महाराज पूरा फैन के नीचे बैठते हैं, फैन कहाँ चल रहा है, हाँ उसके नीचे बैठ करके माला फेरना है, हवा कहाँ से आ रही है, पंखा कहाँ से चल रहा है, कूलर कहाँ से चल रहा है, अब कूलर चल रहा है, हाँ फैन चल रहा है, अब यहाँ बैठे ताकि मच्छर आकर के ना बैठे, अथवा फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन, क्यों रानू जी ऐसी है ना, एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास जहाँ अनुकूलता है, कोई मच्छर नहीं, कोई खटमल नहीं, कोई कीट पटंगे नहीं, कुछ नहीं, मौसम भी बहुत अनुकूल, वातानुकूलित। अब ध्यान अवस्था में हम बैठे हैं, शुद्धोपुई की अवस्था, ऐसा वर्तमान में तो ऐसे ध्यान होता है, नहीं थोड़ा सा भी कुछ प्रतिकूल वातावरण हो जाए, एक मच्छर आकर के बैठ जाए, काटना तो दूर से गुनगुनाने लगे, संगीत सुनाने लगे तो ध्यान भंग हो जाएगा, कान के आगे गुनगुनाने लगे
ध्यान भटकता है कि नहीं? मक्खी भी आने लगे तो ध्यान भटकने लगता है। और आदिनाथ भगवान ऐसे ध्यान में मग्न थे कि वे हिरण आदि पशु अपनी पीठ को खुजला रहे थे, फिर भी वह विचलित नहीं हुए। ने ऐसे प्रतिमा योग को धारण करने वाले, तो जिनका मन ध्यान में नहीं लगता, अथवा जिनकी सामायिक अच्छे से नहीं होती, अथवा जिनका माला में मन नहीं लगता, जिनकी माला में स्थिरता नहीं रहती, उनसे कह रहे हैं प्रभु को देखना और प्रभु की स्तुति इस भाव से पढ़ना, योगीश्वरम सॉरी विदितम विदित योगम। जब विदित योग बोलो तो ये भाव इधर लाना, प्रभु आप जैसी दृढ़ता मैं भी अपने भीतर सामायिक की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, माला की अवस्था में लाना चाहता। मेरा कितना कम सहननहीन सहनन है, मेरी कितनी कमजोरी है कि थोड़े से प्रतिकूल वातावरण में मैं एक माला भी फेर रहा हूँ 10 मिनट के लिए भी, उसमें कई बार आसन बदल लेता हूँ। कई लोग आसन बदल लेंगे, ऐसे से ऐसे हो जाएंगे, कई लोग ऐसे हो जाएंगे, कई लोग होता है ना, माला भी चल रही है, इधर उधर दृष्टि भी चल रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और चिनवाणी के पन्ने भी पलट रहे हैं, ऐसा भी चलता नहीं चलता चलता है कि नहीं? ऐसा नहीं चलता, कैसे चलता है? पहले वाली दो चलती है, इधर कौन कौन आ रहा है, बस इतना ही। तो अपनी यहाँ पे वर्तमान में माला सामायिक कैसी चलती है देख लेना, कितने बार आसन बदल जाता है, कोई मच्छर भी नहीं बैठा है तो भी बदल जाता है, बोले घुटना दर्द देने लगता है, महाराज जी क्या करें, ऐसा लगता है घुटना टूटने को ही है। यदि 48 मिनट की सामायिक करना हो बड़ा कठिन काम। वैसे कितने लोग सामायिक करते हैं 48 मिनट की, एक ही आसन में करने वाले हैं यहाँ पे, एक ही आसन में बैठ करके, यानी कितनी देर तक आप लोग बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। तो जिनकी क्षमता नहीं है माला निर्दोष करने की, सामायिक निर्दोष करने की, तो उन्हें ये पढ़ना चाहिए विदित योगम। ठीक है, समय आपका हो गया। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।